विधानसभा निर्वाचन के प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने आयुक्त रोहित व्यास ने नए सिरे से टीम गठित की है ताकि संपत्ति विरूपण प्रभावी ढंग से किया जा सके। आगामी 15 दिवस के लिए गठित टीम ने नोडल अधिकारी अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सहायक नोडल अधिकारी रमाकांत साहू उपायुक्त होंगे, जो अपनी टीम के साथ संपूर्ण निगम क्षेत्र में घूमकर निर्धारित तिथि अनुसार सभी जोन में शासकीय भवन, पुल, पुलिया, बिजली खम्भों एवं पेड़ पौधों में लगाए गए राजनैतिक पार्टी के बैनर, पोस्टर व झंडे को उतार कर अपनी जब्ती कार्रवाई करेंगे। अभी मतदान संपन्न हुआ है। आदर्श आचार संहिता अभी भी प्रभावशील है और इन दिनों त्योहारी सीजन के कारण कुछ लोग अपना शुभकामनाओं का बैनर पोस्टर शासकीय संपत्तियों पर लगा रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त श्री रोहित व्यास सर ने एक नए ढंग से नई टीम की नियुक्ति की है। इनको निर्देश दिए हैं कि वो सभी निगम क्षेत्र में पूरे क्षेत्र जोन क्षेत्रों का भ्रमण करके जिन्हें शासकीय भवनों में और बिजली के पोल हैं, पेड़ पौधों में, रोड के डिवाइडर में जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, राजनीतिक हो या शुभकामनाओं के हो, सारे बैनर पोस्टर को उतार कर जब्ती की कार्रवाई करेंगे।